टीमें रह गई हैं चार, और जब भारत का मैच शुरू होगा टीमें एक सेमीफाइनल से फाइनल जा चुकी होगी, और इंडिया और इंग्लैंड दो टीमें होंगी जो यहां पर कल लड़ेंगी। बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट से पहले अगर आप मुझे कहते कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होता तो शायद मैं थोड़ा डरता। मैं कहता यार इंग्लैंड तो डिफेंडिंग चैंपियन है, मॉडर्न डे T20 कितनी ज़बरदस्त तरीके से खेलता है यार, इनके साथ हम कैसे खेलेंगे। लेकिन अब ना इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि मॉडर्न डे T20 शायद इस टूर्नामेंट में बैक सीट ले चुका है। शायद आपको मिक्स ऑफ दोनों चाहिए, तजुर्बा भी चाहिए, आपको मॉडर्न डे T20 भी चाहिए, बट आपको थोड़ी सी पुराने अंदाज की T20 भी चाहिए। इसलिए इन कंडीशंस में प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में, जहाँ पर गेंद नीची नीची रहती है, टर्न भी होती है नीची नीची भी रहती है, रन बहुत ज़्यादा बनते नहीं है, जब आप कहेंगे ना कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल है, मैं कहूँगा यार आम मैच होगा ना तो इंडिया फेवरेट है। हाँ, इंडिया की दिक्कत है सेमीफाइनल की, वो मानसिक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन आज इंग्लैंड के कोच ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि यार वो इंडिया की टीम जो एडिलेड में 2022 हम सेमीफाइनल खेले थे और ये इंडियन टीम में फ़र्क है। उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा उस दिन ना हमने रिस्क लिया था, हमने एडिलेड की अच्छी विकेट पे इंडिया को कहा बैटिंग करो, हम डर रहे थे, बट हमने देखा कि इंडिया ग्वाची कहाँ टाइप था, मतलब इंडिया को नहीं पता था क्या करना है, कितने रन चाहिए। और उन्होंने माना कि इस बार ये बेस्ड ऑन जो पिछले दो हफ्ते उन्होंने देखे हैं, इंडिया अच्छा खेला है बैटिंग बॉलिंग, और उन्होंने कहा कि वो अग्रेसिव दिखते हैं। अब पता नहीं, बात फिर वही चली जाती है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर, वो एक मैच क्रैक करना, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, फिर आप फाइनल की बात करते हैं। रोहित शर्मा ने कहा नहीं यार, एक ही मैच की बात करो, उन्होंने ये फाइनल और ये हमेशा हम ये गलती करते हैं, एक गेम एक गेम। बट मेरा ये मानना है कि जो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया, लोग उसको जो मर्जी कहें जी इररिलेवेंट मैच था, इररिलेवेंट नहीं था वो। आप ओमान को नहीं खेल रहे थे, आप पपुआ न्यू गिनी को नहीं खेल रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे थे, और आपने चूंकि ऑस्ट्रेलिया को हराया वो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, आपको ये भी समझना होगा। सो ये नया फॉर्मेट लेकिन पुराना अंदाज और नया अंदाज का मिक्स, ये आई थिंक इंडिया को ना यहाँ पर, अगर मैंने फिर वही आमने सामने इंग्लैंड के सामने इंडिया फेवरेट, बट चूंकि ICC सेमीफाइनल है तो बस मैं ये कहूँगा बराबर, बट कंडीशंस इंडिया को बड़ा अच्छा फेवर करती हैं, दोनों टीमों के स्पिनर्स हैं। एडिलेड में इमेजिन कीजिए परफेक्ट बैटिंग विकेट पर वो इंडियन टीम स्पिनरों के सामने इंग्लैंड के फेल हो गई थी, घोड़े खुल गए थे। यहां पर भी वही इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, बल्कि बेहतर होकर आएंगे, रन नहीं बनेंगे, बट इंडिया के पास तो स्पिनर्स हैं ही। आई थिंक इंडिया की बैटिंग ना थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो उस दिन हुआ था, सोच में भी थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, या फिर वही कि आप देखेंगे बहुत बड़ा दिन है कुछ अलग करें और खत्म। सो आई थिंक इंडिया का इम्तिहान इंग्लैंड के साथ भी है, इंडिया का इम्तिहान खुद से भी है। इंडिया न्यूयॉर्क में बैटिंग स्ट्रगल कर रहा था, वहां पर हर कोई स्ट्रगल कर रहा था, ओपनिंग पेयर जो है वो इतने अच्छे स्टार्ट्स नहीं दे पा रहा था, बट पिछले अगर आप 2-3 मैचों में देखें ना, ओपनर्स ने आपको एक पेस दिया। जब हम विराट कोहली रोहित शर्मा की बात करते हैं यार, हम उनके 50-100 गिनते हैं, नहीं आए, टीम को स्टार्ट मिले। रोहित ने तो जो पिछले मैच में बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यार अनबिलीवेबल। रोहित ने खुद कहा कि मैं ये सपना सोचता था मैं इस तरह की बैटिंग करूंगा, उन्होंने कहा, और मैं इसलिए रन्स बनाए क्योंकि मेरा एक प्री कंसीव नोशन नहीं था कि मैं इस तरफ शॉट मारूंगा या इस तरफ नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा मैं जहां गेंद आया डिसाइड किया था मारूंगा, मारूंगा बाहर ही। सो वो चीज़ चली। अब सेमीफाइनल में क्या होता है, फाइनल में क्या होता है अगर इंडिया जाता है पता नहीं, बट इन दिनों में ना दिक्कत इंडिया को अगर कोई आती है तो वो क्या आती है कि आपको ये लगना शुरू हो जाता है बैट्समैनों को, यार मैं हूँ बड़ा बैट्समैन, अगर मैं आउट हो गया तो यार टीम का क्या होगा। आई थिंक इंडिया को ना उसी चीज़ से बच के रहना है। अगर आप इस चीज़ से निकल कर आ जाते हैं कि यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा, वो आप ना टीम को कभी कभी नीचे ले आते हैं। इंग्लैंड की ताकत यहाँ पर फास्ट बॉलिंग शायद इतनी ना हो, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है स्लोनेस ऑफ द ट्रैक और थोड़ा नीचे नीचे रहने से। स्पिनर्स हैं, 170 रन उस दिन इंडिया के बौने थे एडिलेड में, या 170 रन आपको मैच जिता सकते हैं, बड़ा दिन है। और आई थिंक अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है ना, तो बड़े दिन आपको अपने खेल को ऊपर लेकर जाना है। आम तौर पर पिछले कुछ साल में बड़े दिन इंडिया का खेल नीचे आता है, अब वहीं पर इम्तिहान है। रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा की बैटिंग, अभी तक तालियां बज रही हैं, लेकिन फिर एक एक मैच के बाद ना आप स्क्रूटनाइज होते हैं। वर्ल्ड कप में ऐसे ही हुआ था,
क्या बैटिंग कर रहे थे रोहित, क्या कप्तानी कर रहे थे, बट फाइनल में जब वो आउट हुए टीम ढह गई। एंड माने ना माने, अगर इंडिया नया बॉल झेल लेगा विराट और रोहित, मैं झेल लेगा की बात कर रहा हूँ, इंडिया हो सकता है कि कल इस वक्त हम जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। आसान नहीं है, कोई भी सेमीफाइनल आसान नहीं होता, शायद इतिहास इंडिया के खिलाफ है, बट कभी ना कभी इंडिया को उस इतिहास को बदलना था, शायद वो मौका आ गया है। तजुर्बा भी है आपके पास, और सबसे बड़ी बात क्या है, कंडीशंस। ये कंडीशंस ना इंडिया के लिए अच्छी हैं, टेलर मेड है। ये कंडीशन शायद इंग्लैंड के खिलाफ जाती है तो जो तराजू है ना वो बैलेंस हो जाता है। इंडिया को मैं थोड़ा आगे मानता हूँ, और जब मैच शुरू होगा, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मौसम आप देख ही रहे हैं कि दो दिन से तूफान आ रहे थे, आज सुबह भी यहाँ पर हम ग्राउंड आए तो बारिश थी, पर अचानक से धूप निकला, इतनी गर्मी है कि शेड्स के बिना मैं शो नहीं कर सकता। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ वैसे मौसम, ये देखिए यहाँ पर ना खुलना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा खुलना शुरू हो गया है, धूप भी निकलाई है, बट अभी भी बादल है। ये बहुत बड़ा पैच है, ये दोपहर का वक्त है, बहुत बड़ा पैच ये एक बार फिर बनना शुरू हुआ है, उस तरफ भी बादल है और बादल इधर भी है। फोरकास्ट ये कह रही है कि रात को बरसात हो सकती है, कल भी परसेंटेज तो है 50% 60%, बट वो आज भी थी। अब पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा मौसम का, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि प्लेइंग कंडीशंस में भी ऑल्टरेशन है। प्लेइंग कंडीशंस ये हैं कि इस मैच का रिजर्व डे नहीं है, तो आपको 250 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं रादर देन जो 90 मिलते हैं, यानी कि 160 मिनट और एक्स्ट्रा मिले हैं। 10:30 बजे लोकल टाइम, मैं लोकल टाइम आपको बता रहा हूँ, 10:30 बजे मैच शुरू होता है, और गयाना में जो जो टाइम है वो इंडिया से हम 9.5 घंटे पीछे हैं। तो 10:30 बजे यानी कि इंडिया में जब 8 बजते हैं मैच शुरू होता है, और 2:40 लोकल, 2:40 लोकल तक ओवर्स में कोई कटौती नहीं होगी। सपोज 10:30 बजे मैच नहीं शुरू हुआ तो 2:40 तक ओवर्स में कटौती नहीं होगी। उसके बाद हर 8 मिनट में दोनों टीमों का एक एक ओवर कम होगा, और लोकल टाइम 4:16 पे, 4:16 पर अगर मैच नहीं शुरू होता तो वो कट ऑफ टाइम है मिनिमम 10-10 ओवर के मैच का। 10 ओवर से कम होगा तो रिजल्ट नहीं होगा, मैच अबैंडन होगा, इंडिया फाइनल जाएगा। लेकिन 4:16 गयाना का लोकल टाइम, जो इंडिया से 9.5 घंटे आप हम पीछे चल रहे हैं, गयाना पीछे चल रहा है, 4:16 दोपहर तक कट ऑफ है 10-10 ओवर। 4:16 के बाद 17-18 ओवर तक मैच नहीं तो फिर आप खत्म 10-10 ओवर के लिए। लेकिन स्पोर्ट्स तक पर हमारा यहाँ से तो कवरेज है ही, हमारे स्टूडियो से भी। हरभजन सिंह हमारे साथ रहेंगे पूरे मैच में, सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, मॉन्टी पानेसर हमारे साथ रहेंगे, आप लोग भी साथ रहेंगे। अपडेट्स और भी आएंगी, आप इसको देखेंगे, सुबह जब उठेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर मौसम चल रहा है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान मैच पर भी नजर रहेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट www.thesportstak.com, सारी खबरें हैं, वीडियो हाइलाइट्स हैं, और स्पोर्ट्स तक ऐप भी। सी यू।